मन की बात कार्यक्रम में देशवासी संबोधन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो एवं दूरदर्शन में मनर कथा कहले प्रधानमंत्री मोदी देश में 100 कोटी टीकाकरण आमपाई गर्वर विषय यह भारत बड़ सामर्थ्य एवं प्रयास मंत्र को दर्शाऊ टीका प्रेरण में बहुत समस्या आसीला किंतु सफलता पाई बोली प्रधानमंत्री कहते यहा सहित प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा का आदर्श किसी शिक्षा ग्रहण करने को युवपीढ़ी को आह्वान कर सेनारे महिला योगदान को प्रशंसा कर प्रधानमंत्री कोब्रा बाटालियन में महिला ट्रेनिंग आमको आचंबित सेनारे आमको आहुरी महिला माने योगदान करने को आह्वान कर प्रधानमंत्री बात कार्यक्रम में देशवासी संबोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो एवं दूरदर्शन में मनर कथा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 100 कोटी टीकाकरण आमपाई गर्वर विषय यह भारत बड़ सामर्थ्य एवं प्रयास मंत्र को दर्शाऊ टीका प्रेरण में बहुत समस्या आसीला किंतु सफलता पाई बोली से कहते सहित प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा का आदर्श किसी शिक्षा ग्रहण करने को युवपीढ़ी को आह्वान देते सेनारे महिला योगदान को प्रशंसा कर मोदी कोब्रा बाटालियन में महिला ट्रेनिंग आमको आचंबित सेनारे आगो को आहुरी महिला माने जोगदे बाकु से आह्वान कर पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन की हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को जगजोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री 82वां मन की बात कार्यक्रम हो देशर 100 कोटी टीकाकरण सफलता नहीं आलोचना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।